व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब आप लोग। आज का मेरा व्लॉग है जो कि तबेले पर है। मैं चार दिन से व्लॉग नहीं बनाया हूं, तो आज मैं जा रहा हूं व्लॉग बनाने। अब वहां पर जाऊंगा, आपको भैंस और गाय वगैरह दिखाऊंगा, वहां पर दूध वगैरह कैसे निकालते हैं, तो चलते हैं वहां पर। गाइस, मेरे दोस्त लोग अभी से बोल रहे कि मैं तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तो बोला मैं कोई गम नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी, मैं अकेला ही व्लॉग बना लूँगा। तो बाबर बोले मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इसकी वजह से हम लोग जा रहे तबेले पर। इस टाइम दूध मिलेगा या नहीं तो मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पर, देखेंगे दूध निकलेगा तो आपको दिखाएंगे। जो कि फाइनली गाइस, हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं और हम लोग मतलब नंगे पाँव है, और हम लोग की बाइक भी नहीं है। मेरी बाइक मेरे अब्बू लेके चले गए, और अज्जू भाई की जो बाइक उनके बड़े भाई लेके चले गए, बाबर की भी बाइक नहीं उनके भाई लेके चले गए, और हम लोग पैदल जा रहे हैं। नंगे पाँव है, आप देख सकते हैं हमारे पैर में चप्पल भी नहीं है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पर। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बैच और कोई काम हम पे। देखिए फाइनली गाइस, हम लोग अभी थोड़े दूर और है पहुंचने वाले वहां पर, 200 मीटर के अराउंड कुछ पड़ा हुआ है। बाबर भी पैदल चल रहे हैं बेचारे, अज्जू भाई भी हैं। तो हम लोग जाएंगे वहां पर, दिखाएंगे गाय भैंस वगैरह सब कुछ। तो चलते वहां पर। आप देख सकते हैं हम लोग रास्ते से आ रहे, तो हमें कल देखिए, तो मैं सोचा इस पे भी एक वीडियो बना लूं। तो ये कल देख सकते हैं, इसमें गन्ना डालते हैं, गन्ने का जूस निकलता है। इस साइड से डालते हैं और इस साइड निकलती है, मतलब पीछे साइड से इस साइड ये पूरा निकलता है, और उस साइड मतलब जूस वगैरह, मतलब उसका जूस गिरता है, मतलब ये गड्ढे में, ये गड्ढे में मतलब गन्ने का जूस निकालते हैं। निकालने के बाद इसको मतलब इससे छानते हैं, मतलब एकदम फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि इसमें कचड़ा वगैरह नहीं रहे। फिर मतलब एक यहाँ पर कढ़ा रखा हुआ है, कढ़ा यहाँ पर नहीं रहता है, ये कढ़ा देख सकते हैं, मतलब कोई ढापा है, ये कढ़ा है लोहे का पूरा, और इसके चूल्हे के ऊपर रखते हैं, और चूल्हे के ऊपर रखने के बाद यहाँ से मतलब झोंकते हैं उसको, ये बिल के अंदर से मतलब डालते हैं, मतलब लकड़ी वगैरह कुछ भी जो डालना रहता है डालते हैं। तो आग मतलब ज़्यादा होती है, तो उस साइड से धुआं निकलता है, इधर से इस साइड से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, एक भट्टी की तरह ये भी है। तो एक दो घंटे के अंदर मतलब गुड़ तैयार हो जाता है, गुड़ भेली वगैरह जो बनता है। गाइस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर पर आप देख सकते हैं फार्म है, वहाँ पर तबेला पड़ा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे अभी गेट बंद नज़र आ रहा है, देखते पास जाके कि गेट चालू है या बंद है, तो चलते हैं वहाँ पर। देखिए फाइनली गाइस, हम लोग गेट के पास आ चुके हैं, जो तबेला है यहाँ का, तबेले के पास आ चुके हैं, गेट सामने है। तबेले के अंदर जाएंगे, दिखाएंगे गाय भैंस वगैरह कैसे इधर पे खिलाते पिलाते हैं, सब आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर।
देख सकते हैं इसको हाउडी बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में। इसमें भैंस और गाय को चारा डालते हैं जो कि भैंस गाय इसमें खाती हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी है, 19-20 के अराउंड कुछ है। तो गाइज अब देख सकते हैं यहाँ पर भैंस लोग का चारा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भैंस लोग को खिलाते हैं, भैंस और गाय को ये चारा। इसको गाइज आप देख सकते हैं जो ये जो डब्बा है, इस डब्बे में मतलब दूध डालते हैं और पूरा जब दूध फुल हो जाता है तो इसको हर गांव गांव में सप्लाई करते हैं। गांव में आ चुका हूँ, हम लोग तबेले से आ चुके हैं जो कि फरदीन मेरे साथ नहीं गए थे। फरदीन बताइए क्यों नहीं गए, तुम्हें भूख लगी थी या फरदीन को भूख लगी थी? फरदीन नहीं गए, लेकिन जो हमारे अरबाज है दोस्त अरबाज जो कि आ रहे हैं अभी, उनसे पूछेंगे वो मेरे साथ क्यों नहीं गए। मेरे साथ बस गए थे बाबर और अज्जू भाई गए थे और कोई नहीं गया था। अभी मैं अरबाज से पूछूंगा मेरे साथ क्यों नहीं गए। तो फाइनली गाइस आज का मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो चलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।